देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब रुक करते हैं खबरों की। बाराबंकी में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। आमने सामने की टक्कर से बाइक सवार दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को लिया सुपुर्द। गंभीर अवस्था में बाइक सवार को CHC सिरोली गौसपुर कराया गया भर्ती। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। आमने सामने की टक्कर से बाइक सवार दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से हुआ फरार। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को लिया सुपुर्द। गंभीर अवस्था में बाइक सवार को CHC सिरोली गौसपुर कराया गया भर्ती। हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल किया रेफर। मामला कोतवाली बदोस राय के रसूलपुर गाँव का है। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। बाराबंकी में सुजीत गौतम की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और अन्य ग्रामीण सुजीत गौतम का शव रखकर कर रहे प्रदर्शन। पिछले दिन पूर्व देवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राघवपुरवा गांव में दबंगों द्वारा युवक सुजीत गौतम की बेरहमी से पिटाई के बाद जलाने के मामले में आज पीड़ित युवक सुजीत गौतम की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। बाराबंकी में सुजीत गौतम की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और अन्य ग्रामीण सुजीत गौतम का शव रखकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पिछले दिन पूर्व देवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राघवपुरवा गांव में दबंगों द्वारा युवक सुजीत गौतम की बेरहमी से पिटाई के बाद जलाने के मामले में आज पीड़ित युवक सुजीत गौतम की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। रानीगंज नहर पुलिया के निकट मार्ग जाम कर शव रखकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है मौजूद, ग्रामीणों व परिजनों को समझाने में जुटे। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बंदर का खेल दिखाने आए मदारी की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में जाँच की बात कर कार्यवाही की बात कही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बंदरों का खेल दिखाने आए मदारी की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कर कार्रवाई की बात की है। बताया जा रहा है कि एक मदारी खेल दिखाकर वापस आ रहा था कि दो तीन युवकों ने उसे रास्ते में रोककर उसे बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया और डंडों से पीटा गया। साथ साथ इस दौरान मदारी खून से लथपथ हो गया। एक राहगीर इस पिटाई की वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में आने के बाद नींद से जागी पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद की रिपोर्ट। सर, एक मदारी की पिटाई का वीडियो सामने आया है, लोनी का मामला है, क्या कुछ कार्रवाई की? जैसा कि ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है और इसमें जो चीज़ें सामने थी, जो चीज़ें सामने आई हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक मदारी जो कि बहुत शराब के नशे में था, दो बंदर लिए हुए था, वो जब उसे उन बंदरों को छत पे से नीचे उतारने के लिए टेम्पो की छत पे लेके चल रहा था तो कहा गया, तो उसके द्वारा जो लोग थे जिन्होंने कहा उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, जिस पर कुछ लोगों ने उसके साथ हल्की फुल्की मारपीट की और उसके बाद इन्हें दोनों को तलाश किया गया, दोनों ही नहीं मिले और उसकी तलाश की जा रही, वो मिलेगा तो इसमें जो भी लिख के दिया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आवारा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए करंट वाले तार की चपेट में आकर खेत में काम करने गए युवक की हुई दर्दनाक। छोटा जानवरों से सुरक्षा हेतु खेत के चारों ओर लगे तारों में चल रही थी करंट की सप्लाई। यह पूरा मामला है बाराबंकी का। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। आवारा जानवर से फसल को बचाने के लिए करंट वाले तार की चपेट में आकर खेत में काम करने गए युवक की हुई मौत। छुट्टा जानवरों से सुरक्षा हेतु खेत में के चारों ओर लगे तारों में चल रही थी करंट की सप्लाई। करंट लगने पर परिजन युवक लाए CHC रामनगर। परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा मृतक को ना देखने से हुई मौत का लगाया आरोप। युवक की मौत से नाराज परिजनों ने CHC पर मृतक के परिजनों ने काटा हंगामा। आक्रोशित मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की धक्का मुक्की। मौके पर पहुंची पुलिस। थाना रामनगर के बिठौरा गांव का है पूरा मामला। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। बाराबंकी सिरोली गौसपुर के टेपरा गांव में घाघरा नदी की कटान का मामला। टेपरा गांव में घाघरा नदी की कटान से ग्रामीण कर रहे हैं पलायन। बाढ़ पीड़ितों का आरोप, राहत के नाम पर सिर्फ बांटे गए त्रिपाल। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। सिरोली गौसपुर के टेपरा गांव में घाघरा नदी की कटान का है मामला। टेपरा गांव में घाघरा नदी की कटान से ग्रामीण कर रहे हैं पलायन। बाढ़ पीड़ितों का आरोप, राहत के नाम पर सिर्फ बांटे गए त्रिपाल। घाघरा नदी की कटान को रोकने के लिए बनवाए जा रहे लाखों रुपए के कटर भी घाघरा नदी की कटान को नहीं रोक पाए।
घाघरा नदी की कटान के चलते सैकड़ों बीघे जमीन हो चुकी है जलमग्न। घाघरा नदी खतरे के निशान के दूर होने पर भी कटान होने के चलते गांव के अस्तित्व पर बड़ा खतरा। कटान के चलते बांध पर आसियाना बनाने को मजबूर। सिरौली गौसपुर के टेपरा गांव में तेजी से हो रहा है कटान। बाराबंकी से आ रही है बड़ी खबर। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।